सो व्हाट इज द पीपल, कैसे हो आप लोग। तो आज माइकल ने मंगाया ये एक न्यू बाइक। तो तुम लोग को बता देता हूँ कौन सी न्यू बाइक है। वो होने वाली है हमारी KTM RC 390। तो तुम लोग को पता ही होगा भाई हमारे इंडिया में कितनी चलती है बाइक। तो हम लोग को जाना है उसका डिलीवरी लेने, सॉरी तो गाइज हम लोग को जाना है उसका डिलीवरी लेने। तो डिलीवरी लेने जाना है तो हमको जाना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। तो एयरपोर्ट तुमको पता है कितना दूर है, यहाँ से तुमको दिखा देता हूँ मैप में एक बार। सो गाइज हमको जाना है हमारे इस लोकेशन पे, उसने बताया हमको बुलाया है। तो तुम देख सकते हो ये लोकेशन जो है, ये लोकेशन हमको पहुँचना है। लेकिन लेकिन हम ऐसे कपड़ों में तो जाएंगे नहीं, हम एकदम अच्छे वाला सूट पहन जाएंगे। क्योंकि भाई वो गोल्डन में मंगाई है मैंने और वो एकदम मतलब लग्जरी है। तो इम्पोर्ट कराई है इंडिया से, तो भाई तुम समझ सकते हो ना कि इंडिया से अगर माइकल इम्पोर्ट कराएगा तो भाई बहुत ही लग्जरी बाइक इम्पोर्ट करवाएगा। तो उसको बेस वेरियंट नहीं चाहता, उसको चाहिए था कि उसके पास गोल्ड वर्जन हो। तो चलते हैं पहले कपड़ों की दुकान पर, कपड़े पहनते हैं मतलब चेंज करते हैं और लेके चलते हैं। और अगर तुम लोग को ये वीडियोस अगर अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँ, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, जिससे कि मेरे को और मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोस लाने के। तो अगर चैनल पे नए हो ना चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं, पहले तो मैं मार्क लगा देता हूँ कोई अच्छी सी शॉप पर, जहाँ पर आस पास में अच्छी सी शॉप। ये वाली शॉप बहुत बेटर है, हाँ ये वाली शॉप बहुत बेटर है, यहाँ पर अच्छे खासे सूट्स मिल जाते हैं। तो हम लोग यहाँ चलते हैं, यहाँ मार्क लगा देते हैं हम लोग। तो लेट्स गो। तो भाई ये भी कार अच्छी है यार, वैसे देखा जाए तो कार मतलब सही चलती है ना। तो चलो लेके चलते हैं, वैसे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। ओहो ज़्यादा ही वो है, तो कोई बात नहीं हम लोग चल देंगे। अरे अरे देख रहे हो ना भाई कैसे कैसे काटते हैं लोग। तो हाँ गाइस फिर से बोल रहा हूँ भाई, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो ऐसे क्योंकि ऐसे ऑसम कॉन्टेंट्स जो है ना आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे, तो कर देना लाइक यार चैनल को, वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब कर देना। जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं, अपनी गाड़ी में पार्क लगा देता हूँ वरना कोई ले जाएगा उठा के। तो ये लगा दी गाड़ी, चलो माइकल का होलिया चेंज करते हैं। पहले एक बिलियनर वाला लुक देते हैं भाई माइकल को, कपड़े वगैरह भी पहन लिया थोड़े मतलब रोज़ वाले कपड़ों से अच्छा लग रहा है गोल्डन सा, क्योंकि अपनी बाइक पे मैच करेगा ये। तो लेके चलते हैं अपनी गाड़ी को बाइक के पास। तो अगर मैं कुछ ज़्यादा तेज़ बोलते रहूँगा तो मैं उसके लिए सॉरी बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है भाई माइक में कितनी वॉल्यूम जाती है, क्योंकि मैं बहुत ही कम लॉन्ग वीडियोस बनाने लग गया हूँ मैं, और मैं शॉर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देने लग गया था। तो शॉर्ट्स को भी तुम पसंद करो, लेकिन लॉन्ग वीडियो को भी उतना ही प्यार दो जितना तुम शॉर्ट्स को देते हो। जल्दी से एयरपोर्ट पे मार्क लगाते हो, निकलते हैं। एयरपोर्ट किधर है भाई, एयरपोर्ट तो ये रहा, लेट हो जाएंगे वरना जल्दी पहुँचना है। तो सो गाइस हमने एंट्री ले ली है इस रास्ते से। तो भाई अपनी गाड़ी पे थोड़े बहुत स्क्रैच आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग आ चुके हैं अंदर। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले अपनी बाइक के पास, जहाँ पे हम लोग उसे इम्पोर्ट कराई है। भाई कितना बड़ा एयरपोर्ट है यार, और भाई इस एयरपोर्ट पे सिर्फ एक्सेस माइकल के पास है, क्योंकि और कोई भाई फ्रैंकलिन और ट्रेवर, अरे भाई तुम लोग देख सकते हो उनके पास एक्सेस नहीं है। लेकिन तुम बाइक देखो अपने भाई, ये लोग यहाँ खड़े हैं। जल्दी से अपनी गाड़ी की डिग्गी से इनको पैसे, पहले पैसे पूछ लेता हूँ कितने देने हैं इसको, उसके बाद डिग्गी से मैं पैसे निकाल कर दे देता हूँ। वो भाई गाड़ी, बाइक देखो तुम यार, बाइक देखो ओ भाई KTM RC 390। चलो इसमें बाद में हम लोग अपना नाम लिखवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से इसको पैसे दे देते हैं। सो गाइस मैंने यहाँ से अपनी हुड में से मतलब डिग्गी में से यहाँ से हमने अपनी जितने भी हमारे पास कैश थे मैंने दे दिए इसको। इसने बोला था कि भाई $1 million लूँगा मैं बाइक के, तो मैंने इसको $1 million दे दिया। ये कह रहा है ठीक है तुम बाइक ले जाओ, और मैंने इसको बोल देता हूँ कि मेरी कार को ये यहीं पर ही खड़ा कर देता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं भाई बाइक कैसी है। ओहो हेलमेट पहन लो भाई, भाई ऑलवेज वेयर हेलमेट जब यू आर राइडिंग अ बाइक, मतलब तुम जब भी बाइक चला रहे हो तो हेलमेट ज़रूर पहनो। तो यहाँ पे माइकल ने वही रूल फॉलो किया, देखो भाई बाइक, ओहो स्पीड देख रहे हो तुम भाई, क्या भाग रही है भाई बाइक। तो एक बार इसको लेकर चलते हैं, उसकी फुल स्पीड चेक करते हैं कितनी है। चलो तो लेट्स गो, देख लो। ओके तुम देख रहे हो, क्योंकि भाई मुझे वेट नहीं हो रहा अपने घर पे इसको खड़ा करना है, लोग देखे और जेलस फील करे कि भाई ये भी कोई बाइक है, क्योंकि यहाँ के लोगों को भाई KTM के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो जल्दी से हम इसको घर लेके चलते हैं अपने भाई, अपनी ऐसा लग रहा है घर तो तुरंत पहुँच जाएंगे इससे।
तो वैसे भी अपनी इंडियन कार चलाने का भाई बच गए बच गए बच गए भाई, हल्का सा मतलब ही समझो, बहुत क्लोज क्लोज कॉल था भाई, बहुत क्लोज कॉल। कोई बात नहीं, हमने हेलमेट पहन रखा था भाई, न्यू बाइक का भाई काम हो जाता भाई आज तो। कोई बात नहीं, होता रहता है माइकल के शहर में, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं कहाँ पे करते हैं, अपने गैराज पे ले जाके। ओके, अपनी भी कार यहाँ पे खड़ी है ब्लैक कलर की, तो जल्दी से गैराज पे ले जाते हैं। तो पहले मोड़, सो गाइस कैसी लगी वीडियो, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसे मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, सायोनारा।